मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। तो आज हम सीखने वाले हैं मे मॉडल वर्ब का यूज। देखिए, आपने मे का यूज तो सीखा होगा शायद के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ, लेकिन ये वाला जो मे है जो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ ये कुछ डिफरेंट है। आप इसे ध्यान से देखें तो फिर आपको मे में आगे कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला यूज क्या है मे का, पॉसिबिलिटी तो सबको पता है, पॉसिबिलिटी प्रेजेंट और फ्यूचर में हम देखेंगे। अगर आपके किसी सेंटेंस में शायद प्लस सकता है, सकती है, सकते हैं, शायद प्लस सकता है, सकती है, सकते हैं, या फिर शायद प्लस गा गे गी आ जाए, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको शायद शब्द लगा हुआ दिखाई दे सकता है, सकती के साथ और गा गे गी के साथ, तो आप मे का यूज करेंगे। साथ में कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां पे ए और उ की मात्रा जाती है, जैसे कि हम बोलते हैं ना मे आई गो सर, क्या मैं जाऊं सर, तो जाऊं मतलब उ की मात्रा आ रही है, ठीक है, उसमें भी हम मे का प्रयोग करते हैं, बट वो परमिशन के लिए है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं हम, रूल क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और बाकी कुछ भी बचा है जो भी आपके ऑब्जेक्ट में रिमेनिंग वो आप आगे लगा सकते हैं। शायद वह कल आ सकता है, यानी कि हमने देखा कि सेंटेंस में शायद भी आ गया और सकता है, सकती है, सकते हैं भी आ गया, तो हम क्या यूज करेंगे, ही मे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव है तो मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के बाद आनी चाहिए। ही मे कम टुमारो, शायद वह कल आ सकता है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शायद वह कल आएगा, तो यहां पर शायद प्लस गागेगी है और यहां पर शायद प्लस सकता है, सकती है, तो दोनों ही सेंटेंस की जब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सेम बनेगी, ही मे कम टुमारो और ही मे कम टुमारो, क्योंकि जो आपका मे होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को दिखाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा रूल देखते हैं मे का और कैसे यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कि जब आपके सेंटेंस में शायद के साथ कंटिन्यूस टेंस आएगा, जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं वह किताब पढ़ रहा है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे ही इज रीडिंग अ बुक, लेकिन अगर हम उसमें शायद शब्द लगा दें, शायद वह किताब पढ़ रहा है, तो फिर आपको मे बी प्लस आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। तो वही यहां पर दे रखा है कि अगर आपके सेंटेंस में शायद के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, ठहरा है, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, पड़ा होगा, बैठा होगा, ठहरा होगा, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो आपको मे बी प्लस आईएनजी का यूज करना है। शायद वह सो रही है, तो हमने देखा कि शायद भी आ गया और रहा है, रही है भी आ गया, तो शी मे बी स्लीपिंग। और दोबारा दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शायद वह सो रही होगी, अब ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, शायद के साथ रहा होगा, रही होगी, तो यहां पर भी हम यूज करेंगे शी मे बी स्लीपिंग, यानी कि आप मे का यूज कहां कर रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में शायद के साथ, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट प्लस मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां लगाएंगे, जब आपके सेंटेंस में शायद के साथ प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान या फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होगी। अब प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान आप सबको पता ही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, इस तरह से होती है, और फ्यूचर परफेक्ट की पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, गया होगा, इस तरह से होती है। तो शायद प्लस आया है, गया है, या आया होगा, गया होगा, मैं आपको मे हैव लगाना है, शायद उसने उसे गाली दी है, शायद प्लस आया है, गया है, ये काम हो चुका है, गाली दी है, ही मे हैव अब्यूज्ड हिम, क्योंकि हम परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो आपको वैसे ही यूज करना है, मे हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज होगी यहां पर, ठीक है, ही मे हैव अब्यूज्ड हिम, शायद उसने उसे गाली दी होगी, ही मे हैव अब्यूज्ड हिम, ठीक है। लास्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे मे को यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी,
शायद प्लस रहा है, रही है, रहा होगा, रही होगी, यानी कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस उसमें लगातार समय आता है, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, इस तरह से। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में आप मे के साथ उसे यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस में शायद शब्द लगा हो तो। जैसे कि शायद वह कई दिनों से, ये हमारा टाइम आ गया, ये हमारा शायद आ गया, शायद वह कई दिनों से घर का काम कर रही है या कर रही होगी, दोनों ही सेंटेंस की ट्रांसलेशन सेम बनेगी। She may have been doing household work, यानी कि घर का काम, for many days, कई दिनों से। अगर आप फ्यूचर में भी बनाएंगे तो भी यही ट्रांसलेशन होगी, अगर आप प्रेजेंट में बनाएंगे तो भी यही ट्रांसलेशन होगी। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आपने इस वीडियो में सीखा कि मे का यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे करते हैं जब हमारे सेंटेंस में शायद प्लस सकता है, सकती आए, या फिर गागेगी आए, जब हमारे सेंटेंस में शायद प्लस रहा है, रही है आए, या रहा होगा, रही होगी आए, जब हमारे सेंटेंस में शायद प्लस चुका है, चुकी है, या चुका होगा आए, तो भी यूज कर सकते हैं, और जब हमारे सेंटेंस में शायद प्लस टाइम के साथ रहा है, रही आए, तो भी यूज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार जरूर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।